शहपुरा स्थित 3 प्लांट में टैंकर चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि नए नियम के मुताबिक एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के विरोध में शहपुरा में लगभग 1,000 चालकों ने डिपो के बाहर गाड़ियां खड़ी कर हड़ताल शुरू कर दी। ड्राइवरों की मांग है कि पुराने नियम को ही बरकरार रखा जाए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है। सुबह से जैसे स्ट्राइक चालू हुई तो तीनों डिपो मैनेजर अवेलेबल रहे साथ में पूरे दिन, और दोपहर के टाइम DSP की गाड़ी और तहसीलदार साहब और थाना SATI साहब ये सब कल अवेलेबल रहे। आज भी कुछ अधिकारी अमला यहाँ पे थे। कि ये जो गृह मंत्री जी ने जो नियम कानून लागू किया है, इसको हम लोग नहीं मानते सर। क्या सर, हम लोगों का ऐसा है कि सर हम लोग सब गरीब आदमी है सर, कोई बड़ा आदमी नहीं, सब मिडिल क्लास है सर। कोई गरीब है सर अपना गाड़ी चला के अपना पेट पाल रहा है सर। और इसमें क्या है सर कि कोई यहाँ से, यहाँ पर ऐसा है सर कि यहाँ पर ड्राइवर एसोसिएशन से लगातार बात जारी है, और जैसा कि भोपाल में जो इनके सचिव हैं और इनके अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि स्ट्राइक कल से होना चाहिए था। और मैं भी लगातार इनको यही समझा रहा हूँ कि आज की स्थिति में अगर कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं है आपके एसोसिएशन की ओर से, आज को आपको सप्लाई चालू करना चाहिए। और वही हम लोगों का प्रयास है कि आज जो है आप लोग सप्लाई चालू करें, ताकि फील्ड पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना। अब इनसे बातचीत तो कर रहे हैं, एक्चुअली इनकी जो डिमांड है वो समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने किसी कानून के बारे में चर्चा की है जिसका अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो इनकी बात को हम वहाँ भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई रिप्रेजेंटेशन आ जाए, इनका कुछ वो आ जाए, तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रही इनके एसोसिएशन से बात हुई है तो स्ट्राइक, आज की स्ट्राइक उन्होंने बताया कि आज स्ट्राइक नहीं है। तो हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरत सेवाएं हैं उसको बहाल करें ये,